सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद राजन में तू राजा कहिए पूमन में पूमा ठाकुर में ठकुराई तेरी कोमन सिर कोमा पिता मेरो बड़ो तनी अगम्मा उस्तत कवन करी जय करते पेख रह बिसम्मा पिता मेरो बड़ो तनी अगम्मा उस्तत कवन करी जय करते पेख रह बिसम्मा जुग हो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश शाम समय का दीवान असी माण रहे हैं। अज भगत रविदास जी का आगमन पुरब है। गुरबाणी दे विच जो 35 महापुरख ने जिन्हां विचों 15 भगत ने जिन्हां दे कंट्रीब्यूशन दे नाल ये गुरबाणी समुच्चा तला स्थापित हुंदा आ। उन्हां 15 भगतां विचों एक बाणीकार भगत रविदास जी बिना शक गुरबाणी दे विच उन्हां दा सिरनामा भगत रूप विच आ रहा है। वो भगती दे उस मंडल विच चमकदे हुए सूरज ने, पर जो उन्हां दी वाणी है, जो उन्हां दा उपदेश है, जो उन्हां दे बचन ने, वो गुरु रूप ने। जे असी हुक्मनामे दा वाक पढ़दे हाँ, जिवें असी अक्सर अनिल अगम जैसे लहर मैं उदत जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए परम ऐसा जैसा मानी होए न तैसा, इस रूप में अक्सर हुक्मनामे सुनते हैं। तो भगत रविदास जी का बचन है, जिस दिन लगा होंगे साढ़े लिए गुरु हुक्म होंगे, जो कि गुरु ग्रंथ साहब का हुक्मनामा है। सो भगत साहिबान जिन्होंने एक गुरु संदेश सानू मुहैया कराया, साढ़े विरासत नू स्थापित किया, उन्हां दा जागमन पुरब है। बनदे समय विच सानू बाबा रविदास जी की भगत रविदास जी की आसीस लगे, उन्हां नू असी अपने वालों कुछ श्रद्धा की अकीदत पुष्प अर्पित कर सकीए, इहदा प्रयास होएगा। खाकसार आप सब तो असीस मुजब फतेह की गुजारिश करता है। एक बार सब प्रेम कहना जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब के विच जिवें बेनती की 15 भगत ने, उन्होंने भगत रविदास जी को असी पढ़ते हैं, उन्होंने बाणी को। जे इन्हां दे जीवन वृतांत ते चले जाइए तो सानू कोई बहुत अथेंटिक वेरवे नहीं मिलते। इत्थे तरस है गुरु नानक साहब का, जदों जगह जगह पर गए तो उन्होंने जो रूहानी रूहां सीगियां जिन्हां दे हिरदे दे विच सच दा बीज उपजिया प्रगटिया, जिन्हां ने वो बोल संदेश अपने एक्सपीरियंस अध्यात्मी तल दे लफजां अलफाजां हरफां अखरां च पा के लुकाई नूं दित्ते, लुकाई दी झोली पाए, गुरु नानक साहब ने
वो एज इट इज़ प्रिजर्व करके ले आते। वो फिर गुरु नानक साहब तो गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास साहब, गुरु रामदास साहब, तो फिर अखीर गुरु अर्जन साहब को पहुँचते हैं। तो गुरु अर्जन साहब उन्होंने सारे कंपाइल करके प्रॉपर ऑडिट करके जिल्दबद्ध करके पोथी परमेश्वर का थान ग्रंथ साहब की स्थापति कर दे। इस तरीके नाल बचन और बाणी जिहड़ी है प्रिजर्व होकर संभाल के साढ़े तक पहुँचती है। अदरवाइज जे मोस्टली भगतां दे जीवन बाबत असीं देखते हाँ, भगत सदना जी ने, भगत सैन जी ने, भगत नामदेव जी ने, भगत पीपा जी ने, आप जी नू कोई इहो जिहा अथेंटिक सोर्स नहीं मिलेगा जिथों तुसी कोई हिस्टरी कढ़ सको, कुछ तवारीख लै सको। तो जो मिलता आ वह मोस्टली कई बार बिलीव करन दे गोचर ही नहीं हुंदा, क्योंकि जिहड़े संदेश उपदेश दे रहे ने बिल्कुल वो पैरलर नहीं आता जिहो जिहा जीवन लोग बयान कर देंदे। कई बार भगत माल विचों या होर जगह तो सानूं थोड़े बहुते सोर्स, फिर उन्हां दी अथेंटिसिटी की है ये बड़ी मुश्किल होंदी है। खैर मैं भगत जी दे बाणी संदेश ते जिहड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर जो लगता है कि कुछ उस तरीके नाल बात सानूं बनती है, जिवें ये जिहड़ा समा चल रहा है इस समय नूं कलयुग कहा गया है। मतलब शास्त्री भाषा दे विच जिहड़ी ब्राह्मणी मत ते मतांत विच्चों निकले हुए सोच दे धारनी लोग ने कहिंदे, जो असीं गुरमत च पढ़दे आ तो गुरमत ते कहिंदी है कि इस तो वधिया ते वक्त ही कोई नहीं आया। असीं शब्द पढ़ीए अब कलू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो आन रुत नाही नाही मत परम भूलो। भाई तुहाडी गल ही मन ली जाए, कलू आयो रे, कलू आ गया। पर यह कलू की है? यह नाम बोण की रुत आ। इस रुत दे विच तुहाडी एफर्ट, तुहाडी यतन, तुहाडा प्रयास वह प्रफुल्लित हो सकता है। गुरु महाराज जी दे गुरु रामदास साहब के शब्दों पढ़िए तो महाराज बयान करते ने कि कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जना उधरे नामा जयदेव कबीर तिलोचन सब दुख गए चमरे। क्या कैसा वक्त आ गया लोग कहते कलयुग है, बड़ा माड़ा समा आ। जे आप थोड़ा पिछोकड़े चले जाइए, भगत जी का, भगत रविदास जी का सी जे जीवन पढ़ते हैं या उन्होंने उपदेशों के जीवन वेखते हैं तो वह कहें कि मेरी जात कुटुंब बांड ला ढोर ढुवंता नित है बनारसी आस पासा। मैं ते मेरी जात दे लोग ढोर ढुवंता मोए डंगरां नूं ढोण दी कार करदे ने, जिन्हां दे बाबत लफ्ज़ जो है जिवें कह रविदास चमारा अपने बचना च कहिंदे, चमार भाव जिहड़े चमड़े दी कार करदे, चमदा कारोबार करन वाले लोग उन्हां नूं कहा जांदा। समाज विच किसी भी खिते किसी भी बंदे का कंट्रीब्यूशन किवें घट हो सकता है। अज असी एजुकेशनल साइड तो आपां जे इकोलॉजिकल साइड तो आ जाइए, बोटैनिक साइंस आ जाइए या इकोसिस्टम नूं देखिए, कोई ये कहे कि बंदे का रोल इस जिहड़ी ग्लोब है इहदे च ज़्यादा आ, तो एक छोटे जे जिहड़ा मिट्टी दे विच मिट्टी नूं कंपोज करन वाला गंडोवा आ उहदा रोल घट आ। हकीकत यह नहीं है, हकीकत यह है सारियां दा रोल एज इट इज़ इंपोर्टेंट आ, बल्कि जिहड़े उस धरती नूं कंपोज कर रहे ने वो छोटे छोटे जंत कीड़ जिहड़ा हैगा उस रूप दे विच वह तो सृष्टि वास्ते सब तो ज़्यादा वड्डा कार्य कर रहे हैं। जदों असी गुरु नानक साहब दे उस रंग नूं देखते हाँ जो कि इको पैरलर लैवल ते भगतां दा संदेश, पट साहिबान दा संदेश, गुरु महाराज वो संदेश उस लैवल ते है। गुरु नानक साहब ने उसनों सिक्केबद्ध करके एक बिल्कुल राह दे रूप दे कम्यूनिटी दे रूप इस्टैबलिश किया, इस करके गुरुशिप उन्हां कोल जांदी है। गुरु नानक साहब जो शब्द शब्द पढ़ते हाँ या उन्होंने जीवन यापन जोड़ा संदेश है, उन्होंने किस गल ते फोकस किया? किरत करो। कोई काम वड्डा छोटा उच्चा नीवा यह नहीं है, किरत, किरत का मतलब यह है बंदा धरती ते कंट्रीब्यूट करे, वो किसी दे उत्ते भार ना होए, बोझ ना होए, ना ही वो अपनी एनर्जी नूं किते चैनलाइज करन तो असमर्थ रह जाए। नो,
किसी भी जगह पर अपना कंट्रीब्यूशन पाओ, उस रूप में अपना हिस्सेदारी वो पानी शुरू करो। पर होया ये समाजां दे विच जिहड़ी जात की परपाटी है किते नाल जोड़ी गई, इहदे च भी है। कई बार लोग इस तरह मैनू ग्लोरीफाई करन की ट्राई करते कि देखो जी ये तो जातां जिहड़ी ने किते नाल बज्जियां सीगियां, तो हौली हौली लोगों ने इहदे बाबत इधर उधर गल्लां करनियां शुरू कर दियां। अदरवाइज़ इहदा संबंध तो किते नाल ही है, इहदा होर किसी चीज़ नाल नहीं है। बिल्कुल असीं गल मान ली इस गल ते, पर सच्चाई ये है जदों उस कितेदारी दे विच जिहड़े लोग रेवोल्यूशनरी ने, जिहड़े लोग उहदे चों बाहर जाके ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते ने, उन्हां नूं उसे किते दे विच जात करके बन के रख्या जांदा हैगा, फिर तो अलामत है ना। तो जिहड़े लोग उहदे च उस जगह दे उत्ते इक सुपीरियर लैवल ते चले जांदे ने तो उन्हों एक्सरसाइज करते हैं, तो वह जनरेशन तो एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो कोई उन्होंने दोबारा क्वेश्चन नहीं करता कि भाई तुसी इस इको खिते नो, जिवें सपोज करो विद्या का, ब्रह्म ज्ञान का, धर्म का, एक खिता तो ही है, बस इको जात उस रूप में आ गई। इन होर सरल करके बयान करा, डॉक्टर अंबेडकर जो यूरोप थोड़े समय लिए पढ़ने लिए आया, तो उत्थे उसनों एक जर्मन स्कॉलर ने गल पूछी, कहिंदा है कि गल ये है कि भारतीय समाज दे विच कास्ट सिस्टम आ, जिवें क्लास सिस्टम हुंदा आ, हालांकि क्लास भी अज दे समाज विच क्लास सिस्टम वड्डे लैवल ते आ, ये बिल्कुल कास्ट सिस्टम दे नेड़े आ, पर कास्ट सिस्टम दा जिहड़ा जिहड़ी उहदी उस सोसाइटी दे विच एक पकड़ आ इतनी ज़्यादा गहरी है, उहनू तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, अज दे समाज तक नामुमकिन है। पहले पाकिस्तान दे विच जिहड़े इस्लाम दे उलमा ने, मतलब बड़े बड़े अपने आप नूं स्कॉलर खवाउंदे ने, मैं तो उन्हां दे बाबत उन्हां नूं कई वारी सुनना देखदा, तो वह अपने उस इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट की गल करते करते अपनी कई वारी जिहड़ा हैगा वह गल करनगे एनचेस्टर दी, एनचेस्टरीज दी, तो वह जात पात बयान कर रहे होणगे, साडा संबंध फलानी जात नाल है, साडा संबंध फलाने, मतलब ये इतनी गहरी कि तुसी बिल्कुल वखरे धर्म मजहब जिहदे च ये चीज़ क्या गया कि है नहीं, कि उत्थे रह के भी उस तरीके दीयां बातां हो रही ने सारियां। हाँ, इहदा कारण जदों डॉक्टर अंबेडकर नूं पुछता जर्मन स्कॉलर, वह कहिंदा है कि सपोज उस सोसाइटी दे विच कास्टिज़म आ, पर कास्टिज़म तो ब्राह्मण ने बनाया है ना, तो तुहाडे कोल जदों सोशल अटोनमी आ गई, तुहाडे कोल फाइनैंशियल अटोनमी आ गई, तो फिर तुसी मनो ना, फिर तुसी उस चीज़ नूं जिहड़ा प्रवान ही ना करो, जे तुसी एक्सैप्ट नहीं करोगे तो वह अपने आप जिहड़ी उहदियां वॉल्स बनाईआं ने वह टुट जाणगीआं। उहदे विच डॉक्टर अंबेडकर बहुत कमाल की गल कहिंदे, वह कहिंदे गल ये है, एक तो है कि तुहानूं इस सिस्टम बारे समझ नहीं है, तुसी बाहर बैठे हो, तुसी यूरोप विच हो, ये बाहरों वेखन नूं बड़ा सफिस्टिकेटड लगता है, मतलब ये चार वर्ण ने, फिर चार वर्णा दियाँ सब डिवीजन ने, फिर उन्होंने सब डिवीजन के विच अंदर वो कहते जिवें एक बिल्डिंग आ, तो बिल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर लैवल ने, हर एक फ्लोर लैवल दे विच फिर अगे सब डिवीजन पा के उहदे च फ्लैट सिस्टम बनाया सारा का सारा, वेखन नूं बड़ा सफिस्टिकेटड लगता भी बड़ी कमाल की बिल्डिंग आ, पर वो कहिंदे गल ये है कि उस बिल्डिंग दे विच ना तो कोई स्टेयर्स लगियां ने, ना कोई एलीवेटर है, नथिंग। वो कहिंदे कोई स्टेयर्स नहीं, कोई एलीवेटर नहीं, जिहड़ा जिस फ्लोर ते, जिस माले ते, जिस खास करके मंजिल दे उत्ते, जिस फ्लैट दे च स्टक आ, उत्थे ही स्टक आ, वो चाह के भी उत्तों सज्जे खब्बे जा नहीं सकता, चाहत नहीं सकता, तो फिर जिहड़ियां वॉल्स ने ना, वो वॉल्स जस्ट एवें कहन नूं नहीं बनिया, दे आर सेक्रेट, वो धार्मिक ने। बंदे नूं समझा ही दिता गया तेरा धर्म ही यह है, बस तेरा धर्म मरे डंगर चुकना है, तेरा धर्म जुत्तियां गंढना है, तेरा धर्म लोकां दी खास करके स्वर्ण दी अपने तो उच्ची जिहड़ी कास आ उहदी सेवा विच रहना है, नथिंग एल्स। हालांकि ये इट्स नॉट ए टिप्स ऑफ ए आइसबर्ग आई शुड से, बट इफ यू रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लिटल बिट राइजिंग ऑफ शुद्रा, इंटरनेट पर पा के देखियो, हालांकि वह प्रॉपर जो कुछ वो है वह 5% भी नहीं, मतलब जदों
भगत जी बयान कर देना, नीचा है ऊच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे। ये आत्मविश्वास की गल है, उस रब की गल है, उस अलाही समर्था की गल है जिदे विचों उनके जीवन विच वो अपलिफ्टिंग होंदी है। वो कहिंदे ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसाइया। कौन फटदा गरीबां दीआं बाहां, कौन भुगदा भुगदा उन्हां दे राह दे विच। इह तां गुरु नानक साहब ने जिन्होंने कहा नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच। कहन लगे वह दुनिया के लोगो जे धरती के उत्ते वाकया च किसी रब की बरकत रू प्राप्त करना है ना, तो उस नीवे वल वेखो जिन्हों समाज दुत्कार रहा है, जिन्हों समाज उस रूप के जिन्हों कह लो अनटचेबल, जिदे परछावे नाल चीज़ां पिट दियां ना। बाबा जी ने कहा हकीकत यह है जिहड़ा मेरा संगी है जिन्हें मेरे नाल बांह फड़ के तुरना है, जिहड़ा मेरे राह दा राहगीर होएगा, नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच, नानक तिनकै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। जिथे नीच संभालीअन ते जिहड़े लोग उस रूप दे विच समानता दी जिन्हों असीं कह लईए इक्वैलिटी की गल करते ने, इक्वैलिटी नूं प्रैक्टिकली लैके आउंदे ने, ते उन्हां नूं करतार बरकत ना दे ऐसा हो नहीं सकता। जे आपां नॉर्थ अमेरिका नॉर्दन अमेरिकन सोसाइटी च रह रहे हैगे आ ते इहदे विच प्रोस्पैरिटी है, इहदे च रहन सहन दे साधन संसाधन ने, इहदे विच लोकां दी जिंदगी जिहड़ी है वह खुशहाल है खुशनुमा है। इस करके दुनिया भर तो लोग जड़े ने इत्थे आने लई मतलब एफर्ट पा रहे ने, भावें पॉइंट सिस्टम हैगा भावें को एजुकेशनल साइड तो कोई राह खुलदा आ, जे होर कुछ नहीं गा तो डेफिनेटली इलीगल वे दे नाल इधरों उधरों किसी तरीके लोग इत्थे आना चाहते हैं, कुछ तो रीज़न होएगा। इस सारे दे विच एक रीज़न जिहड़ा है वह है इक्वैलिटी। समाजां दे विच जदों भी होएगी समाज प्रोस्पर होणगे, समाजां दे विच जिहड़ी खुशहाली है ये आवेगी उस रूप दे विच। साहिब महाराज जी ने बाणी दे जिन्हां चीज़ां नूं बयान किया इहनूं स्पिरिचुअल एंगल तो लिआंदा, बंदे बाहरों फोर्सफुली नहीं तेरे अंदरों ही बात आवे, मनुख मनुख दे नाल वितकरा ना करे, नफरत ना करे। फिर जिहड़ी मैं बात कहन लगा सी उत्ते वापस आवां कि लोकी कहिंदे जी सतयुग बड़ा चंगा सीगा, त्रेता बड़ा चंगा सी, दुआपर ते बहुत ही वधिया सीगा। भाई गल इह है जे उस द्वापर नूं जे उस त्रेते नूं असीं देखदे हाँ तो उहदे च की हुंदा है, शंभूक, अगेन यू कैन गूगल इट, शंभूक नां दा एक भगत है ते त्रेते दे विच, ते उह क्या गया कि उह भगती करन लग जांदा है। जदों भगती दे राह ते तुरदा है तां अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग वास्ते उह एफर्ट पा रहा है, उहदे कोल ब्रह्म ज्ञान आ रहा, संदेश उस किस्म की बात हो रही है, तो बकायदा तौर पर वक्त के अवतारी पुरख नूं जो उस वक्त का अवतारी पुरख है जिसनों रब के दर्जे नाल एक वड्डा हिस्सा जी पूछता है, उहदे कोल सारा ब्राह्मणी समाज इकट्ठा होकर गया तो उन्हें कहा तैनूं पता है शंभूक भगती कर रहा है। वो कहिंदे मतलब, कहिंदे मतलब यह है कि उहदा किता उहदा कम सिर्फ तो सिर्फ मोए डंगर चुकना आ, जिहड़े डेड एनीमल्स ने उन्हां दी टेक केयर करनी है, उन्हां दी जिहड़ी स्किन आ उहनूं उतारना आ, जुत्तियां गंढणियां ने। सो उस खित्ते च रहना चाहीदा। फिर हुण की कीता जाए, हुणे कीता जाए, उसने सोसाइटी दे रूल नूं तोड़ता, मर्यादा तोड़ती है, वो करप्ट हो गया आ। ते जदों कोई इस तरीके दे नाल करप्ट हो जाए उहनूं फिर जिउण दा हक नहीं होना चाहीदा, उहनूं कतल कर दित्ता जांदा आ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁਟੁੰਬ ਬਾਂਡਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤਹਿ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਟੁੰਬ ਮੇਰੇ ਕੋੜਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਏ ਡੰਗਰ ਢੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਬ ਬਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, मेरा किता नहीं बदलिया, मैनू होर किते च उस, क्योंकि समाज ने मंत्र ही एवें दी बनाई है, पर इहदे बावजूद भी तेरी नाम शरण आए रविदास दासा, जदों दा मैं तेरे नाम की शरण आ गया मैनू स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर तू इनलाइटड कर दिता ना, हुण वड्डे वड्डे प्रधान बिपर बिपर पंडित नूं कहिंदे जिहड़े अपने आप नूं बड़े ब्रह्मवेता ते ब्रह्म ज्ञानी ते ब्रह्म ब्राह्मण खवाउंदे ने ना,
वो डंडौत करते ने आके लम्मे पै के मत्था टेकते ने मैनू उस रूप दे विच। हुण ये अहसास भगत जी की बाणी तो होंदा आ, पता लगता आ खिता जरूर उन्होंने मोए डंगर ढोण का दिता गया, जुत्तियां बनाउण का दिता गया, पर अंदर की तस्वीर बदल गई। जो अंदर की तस्वीर बदली तो समाज के विच ये सच्चाई है कि दीपक पै आवत पतंग प्रीत रीत लग। जदों दीवा बलदा आ तो बलदे हुए दीवे दे उत्ते जिहड़े भौरे ने वह गुंजार पाउंदे हुए आउंदे ने, उन्हां नूं रोकिया नहीं जा सकता। जिवें ही वह इनलाइटमेंट हुंदी रोशन दिमाग आउंदे सरूप दे रोशनी आउंदी है, सुरत्यापता आउंदी है, समाज नूं पता लगता है ये वो हस्ती है। साहिब गुरु रामदास महाराज ने कहा दुनिया के लोगो तुसी कहिंदे हो फलाना युग चंगा है, फलाना युग चंगा है। गुरु रामदास साहब कहिंदे कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, कलयुग बड़ा चंगा है, आ समा बड़ा चंगा है। नाम प्रधान पदार्थ भगत जना उधरे, जिहड़े भगत जन ने वो उधर गए, उन्होंने अपना ते आले दुआले का कल्याण करने की समर्था लै ली। नामा जयदेव कबीर त्रिलोचन, ये नामा उन्हों समाज जड़ा शूद्र मानता आ, जयदेव इतने ब्राह्मणी समा ब्राह्मणी समाज हिस्से आता है, मतलब जात पात की वंड इतने वंडी चली गई। इतने समाज चो सारा एक नवा सोसायटी जिहड़ी सोसायटी रूहानी कदर कीमत बची हुई है वह स्थापित होंगी। नामा जयदेव कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे, चमरे जिन्हों सवाए चमड़े तो कोई होर काम करने की इजाजत नहीं सी, वो भी दोख चले गए। भाव देखो तो सही समाज के इज्जत वो रिस्पैक्ट वो जी एक्चुअली लैवल आ स्थापित होना शुरू होया। ये उस समा जदों गुरु साहब का जीवन काल देखते हैं, जदों गुरु महाराज गुरमति रोशनी दे विच इस सारी बात नू पा रहे ने ते लिया रहे ने उन्हां संदेशां नू जिहड़े संदेश बाणी दे सर्व कल्याण हित ने। हुण इक होर रंग इहदे नाल ऐड कर दिंदा मैं, देखो समाजां दी उसारी जिहड़ी है वह अपना आपा निवार के हुंदी है। जैसे गुरु अर्जन साहब जी की एक मैं गुरु साहब के वाले पास्यों बात कर रहा ताकि पता लग जाए कि भगत जी बाबत की संदेश है गुरु ग्रंथ साहब के। गुरु अर्जन साहब जो ये शब्द लिखते हैं गोबिंद 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 स्यो नाम दियो मन लीना हठ दाम कुछी पुर होयो लाखीना, उस उन्होंने अगे जाके जिक्र किया रविदास टोहंदा ढोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट होवा साध संघ हर दर्शन पाया। कहते देखो तो सही रविदास उन्हें कैसी जीवन की तरक्की प्राप्त की है। रविदास टोहंदा ढोर नीत समाज ने तो इत स्थापित किया, जड़ा है बन दिता कि भाई तेरा मोए डंगर तो बिना होर कोई किता किस रूप के नहीं, पर होया कि रविदास टोहंदा ढोर नीत तिन त्यागी माया, उन्हें कहते माया त्याग दी। ये बाबत जदों थोड़े बहुत एविडेंस असं देखते हैं, मैं भगत जी के जीवन में एक छोटी जी बात पा के फिर वाइंड अप करदा हाँ। उच जिक्र मिलता है कि मेवात की राणी जो है वो बनारस आई, हुण वो राणियां वाला जीवन जी रही है, तो उस जीवन नू जदों जी रही है तो उहदे विच उहदे कोल हर चीज़ मयसर है, सोना चांदी हीरे जवाहरात माणक मोती, उहदी हुकूमत चलती है जिन्हों हुक्म जो करती है हुक्म पूरा हुंदा आ, खाण पान रहन सहन मतलब कोई कमी थोड़ा आ, हर वक्त लोग उहदे वास्ते अपने आप नू हाजिर करके बैठे ने। क्या कमाल का जीवन है, भगत जी का शब्द ही से पढ़ते हैं बेगमपुरा शहर को नाओ बेगम गम तो बिना जिथे गम ना दी कोई शह ना हो। जे आप उर्दू तो फारसी के लिटरेचर चले जाइए क्योंकि ये बिल्कुल परशियन लैंग्वेज है सारे की सारी, तो उहदे विच बेगम राणी नूं भी कहा जाता है। हुण बिना शक कोई राजा आया कोई राणी आ कोई राजसी जीवन जिन्हों हाईनैस का जीवन कहा जाता है बड़ा हायर लैवल का वो माण रहा है, पर जरूरी तो नहीं भी दुखों तो नजात होएगी। जिहड़ी असल दुखों तो नजात है वो तो अंदर दे दुनिया नू बेगम करके है,
ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਿਚੈਸਟ ਪਲੇਸ ਔਨ ਦਿਸ ਗਲੋਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਲੰਡਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 300% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 200%। ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਰਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮੁਯੱਸਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੇਗਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਦਿੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੋਹੰਦਾ ਢੋਰਨੀਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਵਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਸੰਸਾਧਨ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਡੰਗਰ ਢੋਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਹਾਂਦ ਮੋਏ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਮੜਾ ਵੱਢਦਾ, ਚਮੜਾ ਕੱਟਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਆਖਿਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਆਫ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂਤੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ। ਉਹ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਓਨੈਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਹਾਵਣ ਚੱਲਣੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਆ ਬਗ ਬਪੂੜਾ ਛੱਪੜੀ ਨਹਾਏ, ਕੀਚੜ ਡੂਬੇ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਬਗਲਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਲ ਲਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਪੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਛੱਪੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਜ ਸਾਡੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਹਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਕ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਨਾ ਹੱਥ ਨੇ ਬੱਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਖੀਐ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਬਗਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਕੀਚੜ ਡੂਬੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਚੜ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਚਿੱਕੜ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਆ ਪਾਸ ਗਈ, ਓ ਹੋ ਹੋ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੁਝਤ ਚਲ ਸਰਿਤਾ ਕਹਿ, ਨਾਓ ਮੈਂ ਜੋ ਆਗ ਲੱਗਾ ਕਹੋ ਕਤ ਕਹਿ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਠਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇੜੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਲਣ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰ ਪਤਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਾ ਕਹੋ ਕਤ ਕੇ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਹਾਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਚਰਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਪ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿਸ਼ਠਾਵਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਸਭ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਥਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਭ ਧਰਮ 'ਤੇ ਗਰਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੂੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਖੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਅਧਿਆਤਮੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਚਰਚਾ ਇੰਨੀ ਧਰਮ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਟਸ ਫਲਾਵਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਦੇ ਰਾਲਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈ ਸਿੰਬਲ ਕਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਉਹਦੀ ਗਾਹਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਕਾਂ ਇੱਧਰ ਫਲੇਰਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਮਕੁਮ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਰਗੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੇ ਪਕਵਾਨ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਬੋ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਹਾਂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਸ਼ਖਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
लिजा के भगत रविदास जी की झुग्गी के सामने उन्होंने खड़ा कर दें। तो भगत जी चमड़े की कार कर रहे थे, चमड़ा साफ कर रहे थे इस तरीके दे ना। उदो चमड़ा साफ कर रहे ने तो उत्थे गई तो एकदम जो मन में ख्याल आता है, उन्हों ख्याल आया क्या राणी तुम ही अपने आप नू किस कमले किस मनुख दे मगर ले आई है, इतने इतनों गलत जगह ते ले आया। मैं तो देखते जिन्हां दे महल साढ़े महलों वर्गे ने, जिन्हां दा रहन सहन साढ़े वर्गा आ, वो ब्राह्मण जिहड़े विद्या नाल प्रणाए हुए ने, जिन्हां कोल हर चीज मुयसर आ, वो सानू वेख के साड़ी शक्लो सूरत वेख के साड़ा सोना चांदी वेख के साड़ा रूप रुतबा वेख के वो साड़े अगे पिछे भजे फिरते हैं। उन्होंने कुछ नहीं पता, वो साड़े रुतबे लभ रहे ने, ये तो बेचारा गरीब है अदना आ, इनू तो माड़ी जी शक्ल मेरी दिसी नहीं, माड़ी जहा सोना चांदी की चमक दिसी नहीं, ये तो जो मैं कहांगी उन्हें सच कहन लग जाएगा, कित्थे धर्म मिलेगा, सच सच तो ये को पता नहीं मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। पर इन्नी दूर हुण तुर के आई हाँ, आखिरकार एवें तो वापस नहीं जाना चाहिए, की किया जाए। गुरु अर्जन साहब ने एवें नहीं लिखिया, रविदास टोहंदा टोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संघ हर दर्शन पाया। राणी अगे वधी, जो ने गहने पाए सीगे अपने गहने सोने हीरे जवाहरातां दे उतारे, उतार के दोनों हाथों च इस तरीके दे नाल सारा सोना पकड़ के भगत जी दे चरणा ते रख के मत्था टेक दिता। भगत जी ने बड़े ध्यान नाल देखिया, इन्नी श्रद्धा इन्नी आस्था इस तरीके दे नाल इन्ना सोना अगे लिया के ढेरे किया आ, फेकते नहीं है, क्योंकि जिहड़ा धर्म की लालसा इच्छा तो पूरी लगती है इस रूप दे विच। भगत जी ने वो सोने चांदी वाल देखिया तो हस पे, हस के कहिंदे कहिंदे राणी आ की कर रही है, वो कहिंदी है जी ये भेटा अर्पित कर रही हाँ। वो कहिंदे गल ये है कि ये सारे की मैनू तो लोड़ नहीं है, क्योंकि मैं तो स्त्री नहीं, मैं तो पाने नहीं गए। वो कहिंदी शायद पता नहीं लगा भगत जी, कहिंदे नहीं नहीं तुसी पायो जी ना, तुसी बाजार वेच लियो, इहदी कीमत बड़ी। भगत जी कहिंदे ओह जी कोई आवश्यकता नहीं है, ओह जी कोई लोड़ नहीं है, इस करके राणी ये तेरे ते तेरे वास्ते ही सोभदे ने, मैनू कोई आवश्यकता नहीं है। उहनू पहली बारी पता लगा कंटेंटमेंट की हुंदी, संतोख की हुंदा है। अदरवाइज बंदे दी हालत की है, मतलब माया भी जिहड़ी दुनिया आ, छलावा है तो छलावा ही, यह नहीं भगत जी उस रूप किरत छड़ गए या साधु बन गए त्यागी, वह जहा नहीं गा। हकीकी बात यह है समाज में जिवें असीं बचन पढ़ते हैं, कंचन स्यो पाईया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। राणी जिहड़ा मुल देना चाह रही है उन्हों ते मुल दे के सोचती है मैं इहदा मुल तार के ना, राणी एवें मुल नहीं विकती कोई चीज। यह है भगत रविदास जी, ये ने भगत जिन्होंने समाज संसार नू एहसास करवाया, वो दुनिया के लोगों जे अपनी बैटरमेंट करनी जे ना इन चीज़ों पर काम करो। बेनती कर रहा सीगा, देखो भगत कबीर जी उन्हां ते आ जाइए, अज मैं भगत रविदास जी की बहुत ही बात उन्होंने वाणी चो थोड़ी पढ़ रहे, ज़्यादा जो उन्होंने बारे हवाले गुरु ग्रंथ साहब के विच ने उस जिक्र आया। वो कहिंदे कि कबीर हरसों हीरा छाड़ के करें आन की आस, दिख धरती दे लोग की कर रहे ने, हरी हीरे नू छड़ के होर आसावां दे विच लगे हुए ने। देखो जिहड़ी अध्यात्मक सिख्या आ इहदे मुकाबलतन दुनिया की हर सिख्या छोटी है। शब्द पढ़ते हैं ना, जेसो चंदा ओ गुवै सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदे आ गुरबिन कोरे अंधार, ये उच्चे ज्ञान ते सोझी की गल हो रही, उस रोशनी की गल हो रही है। फिर धरती दे उत्ते बाकी सब पदार्थ मटीरियल जिहड़ा ये चाहिए लोड़ींदा आ, तो इहदी कमी कोई नहीं रहेगी, ये तो बंदे का परछावां बन के बंदे दे मगर तुरेगा। पर हरसों हीरा छाड़ के असल जिहड़ा हरी नाम की जिहड़ी ओहदी आभा आ,
जिन्हों भगत जी ने कहा नीचा है ऊच कराए मेरा गोबिंद, उस गोबिंद की आस्था छड़ के जिहड़ा काहू ते ना डरे जो जो किसी की परवाह भी नहीं मनता, जिदे बारे कहा गया ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथा छत्र तर है। वो जिहड़ा मत्थे ते छत्र तर देंदा जिहड़ा इस रूप दे विच जिहड़ा है नीवियां नू उहदी पारस कला जिहड़ी है भगत कबीर जी जिक्र करते। वो कहिंदे कबीर हरसों हीरा छाड़ कह करें आन कियास ते नर दोजक जाएंगे सत पाख है रविदास। रविदास ने कोई झूठ थोड़ा किया आया, सत पाख है इस तो वड्डा धरती ते कोई होर सच नहीं गा जिहड़ा भगत रविदास जी ने बयान किया। वो क्या दुनिया के लोगो इस चीज़ नू छड़ के जे तुसी होर किते भटकोगे। अज भी यह मनिया गया मैडिटेशन लै लो, माइंडफुलनेस लै लो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एक्सरसाइजेस लै लो, दे आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर ह्यूमन्स। जे ह्यूमन बीइंग अपने आप नू चाहुंदे ने अपनी बैटरमेंट, आही तरीका है भाई यूनिवर्सल लॉ है। फिर क्या गया इहदा सबस्टिट्यूट कोई नहीं, तुसीं इहदी कोई इहदी रिप्लेसमेंट नहीं लिया सकते इस रूप दे विच। वैसे श्रोमणी बाणीकार भगत रविदास जी उन्हां नूं असीं अपने वल्लों श्रद्धांजलि दे पुष्प अर्पित करदे हां। जे धरती दे लोकां ने अज भी बेगमपुरा शहर को ना उस स्टेट ऑफ माइंड नूं इंजॉय करना मानना है तो भाई भगत जी दे चरणों में पकड़ लीए तो चरणों तो मुराद उन्हों की बाणी उन्हों का उपदेश उन्हों का संदेश आ। समुची लुकाई को खाकसार वालों बहुत सारी भगत जी के जन्म दिवस की आपको मुबारकबाद। किसानी संघर्ष में जुड़े हुए साडे माई भाई उन्हों की सफलता होए, उन्हों की चढ़ती कला होए, यदि अरदास करद्या हो समाप्ति है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।